देखो ये फिर से होगा, पर एक बार जस्ट वापस से याद रखना, ये वापस से होगा, पर अभी जो प्रॉपर्टीज या जो अपन आगे लेने वाले हैं उसमें ये फिर से काम आएगा। तो फिर से एक बार देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो दीज आर द सब्सटेंस, क्या बताया था, विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। यानी एक मैग्नेट लेंगे और समझो ये गोल्ड का पीस यहाँ रख दिया, ठीक है। नाउ फॉर दिस गोल्ड और सिल्वर या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एटम विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एटम विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में बताया था दो टाइप के मोशन, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। तो मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी, बट सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। सो एटम विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। If atom will not behave like a magnet, substance will also not behave like a magnet. But जब इसको किसी external magnetic field में रखेंगे, इसकी magnetic field में, तो वो भी magnet बन जाएंगे। ये south pole, ये north pole, इसका capital M या small m से denote किया है, वो magnetic dipole moment, इसका magnetic dipole moment, इसका magnetic dipole moment। तो अब ये जो piece यहाँ रखा है, वो भी क्या बन गया, magnet। मैग्नेटिक फील्ड में जब इसका पीस रखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा टेम्पररी, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, पर यहाँ ये मैग्नेटाइज हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है, ये भी मैग्नेट बन गया, पर कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में और वीक मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। साउथ नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा वीक रिपल्शन, क्या रहेगा, वीक रिपल्शन। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट से वीकली रिपेल होंगे, वो रखे अपन ने डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में देखो, जैसे एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, ठीक है, फॉर दिस एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सिंगल एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जबकि यहाँ एटम ही मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, पर यहाँ सिंगल एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे वो अपना डायपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। बट सब्सटेंस का आंसर फिर से यहाँ जीरो आएगा, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जैसे यहाँ था, सिर्फ रीजन अलग है, यहाँ एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, पर यहाँ एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि बताया था सभी एटॉमिक मैग्नेट्स, यानी एटम एज अ मैग्नेट, एटम एज अ मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट, एटम एज अ मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट, हर एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जैसे यहाँ बताया ना, सब अपोजिट डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर जीरो। बट इनको भी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये वापस आएगा, तब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये समझो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा रख दिया, तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन की मोशन चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये भी मैग्नेट बन जाएंगे साउथ नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, इसका भी उसी डायरेक्शन में, मींस मैग्नेटाइज हुए कौन सी डायरेक्शन में, सेम बट वीक मैग्नेटाइजेशन, इसीलिए यहां रहेगा वीक अट्रैक्शन, क्या रहेगा, वीक अट्रैक्शन। यहां था वीक रिपल्शन, यहां वीक अट्रैक्शन। सो द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक, यहां फिर से एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सब्सटेंस डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो तीनों भी केस में देखो, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, रीजंस आर डिफरेंट। यहां रीजन ऐसा है, यहां अपने क्या बोला था, सिंगल सिंगल एटम ड्रॉ किए थे, यहां डोमेन्स बोलते हैं इनको, डोमेन्स। एक डोमेन में सभी एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, बाकी वाले डोमेन में दूसरी डायरेक्शन में रहेंगे। सपोज ये वाले डोमेन में अलग डायरेक्शन है, सब अपोजिट डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन है, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर जीरो। यहां सिंगल सिंगल एटॉमिक मैग्नेट्स थे,
यहाँ डोमेन स्ट्रक्चर है, यानी तो यहाँ पे डोमेन स्ट्रक्चर है, देखो डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन स्ट्रक्चर मतलब द सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजंस, इन वन रीजन ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स आर इन वन डायरेक्शन बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है, सभी डोमेन्स में रैंडम ओरिएंटेशन है, इधर सब एक ही डायरेक्शन में, इधर भी सब ऑपोजिट है, कैंसिल, फिर से सब्सटेंस का आंसर क्या है, जीरो। बट डोमेन स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक जैसी है, ये भी मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में, बट यहां मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसीलिए यहां रहेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सो द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड आर डायमैग्नेटिक, द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड आर पैरामैग्नेटिक, एंड सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड आर फेरोमैग्नेटिक। बताया था अपन बचपन में जो लेते थे आयरन, कोबाल्ट या निकेल, ये सब इधर ही आते हैं, और ये प्रॉपर्टी घर में इसलिए देखने को मिल जाती है अपने को क्योंकि वीक मैग्नेट भी है तो ये प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटाइज हो जाएंगे वो और अट्रैक्ट हो जाएगा आयरन का टुकड़ा, ठीक है, तो देखो ये अपना मैग्नेट वीक मैग्नेट भी चलेगा, पर ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी है तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगेगा, उतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट घरों में यूज नहीं होते, इसीलिए ये दोनों का घर में ट्राई मत करना, घर वाले पागल हो जाएंगे। तो ये आयरन का टुकड़ा भी अब मैग्नेट बन गया, सेम डायरेक्शन है इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसका भी उसी डायरेक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्गली क्या होगा, अट्रैक्ट। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले तीनों भी केस में सब्सटेंस का आंसर क्या था, जीरो, बट Fe3O4 जो है Fe3O4 यानी ये समझो मैग्नेट, उसमें एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जैसे ये है Fe3O4 जिसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब्सटेंस में भी है, बाकी में सब्सटेंस में आंसर जीरो है, रीजन अलग अलग है, इसमें एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, इसमें एटम जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो रैंडम डायरेक्शन में है, इसमें एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं बट डोमेन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन, ये डोमेन्स जो मिटा गया, डोमेन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर जीरो, सिर्फ यही एक मटेरियल ऐसा है जिसमें सब्सटेंस का आंसर जीरो नहीं है, इसीलिए अपन इसको मैग्नेट बोलते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसके सिंगल एटम में और इसके सिंगल एटम में भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बट सब्सटेंस में नहीं, तो ये समझ में आया कि इसी में क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बाकी में क्यों नहीं है, और क्यों है, चार्ज पार्टिकल मोशन, फिर इनमें भी चार्ज पार्टिकल मोशन में पर सब्सटेंस का आंसर हर एक में जीरो, तो ये थोड़ा सा याद रखो, इसके आगे कंटिन्यू करना, ये फिर से होगा बट समझाने के लिए वापस से लिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अब देखो अब अपन ले रहे हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, समझा चुके हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कहां से आया, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे Fe3O4 दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट, उसी को मैग्नेट नाम दिया है पर दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट मतलब उनकी मैग्नेटिक फील्ड है, बट सम सब्सटेंस जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मतलब बाकी के सब्सटेंस दे डू नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, इसको समझने के लिए ओरिजिन देखना है कहां से आया, तो समझाया पहले ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन है, एक स्पिन एक ऑर्बिटल, तो चार्ज पार्टिकल में दो मोशन आ गए, एक स्पिन आ गया एक ऑर्बिटल आ गया, चार्ज पार्टिकल कहां में है मोशन में, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, वही है, इट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप, इसके पहले हुआ यही चैप्टर में, इट इज बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग लूप, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला ही था हमने, एम ऑर्बिटल इट इज EVr/2, ये डिराइव किया है हमने, तो यहां पे भी वही है कि ओरिजिन कहां से हुआ मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म ओरिजिन वही होगा जहां चार्ज पार्टिकल मोशन है, तो फिर कुछ सब्सटेंस बिहेव करते मैग्नेट की तरह, कुछ क्यों नहीं उसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुके हैं, फिर से आएंगे बाद में, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो तीनों के सब्सटेंस का आंसर जीरो था पर इसके सब्सटेंस का आंसर जीरो नहीं है, पर एटम बहुत सारे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, डायमैग्नेटिक के नहीं करते पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं,
तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से एटम में, उस ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही है ना, तो उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से, इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है, सर्कुलर प्लैनेट के जैसे, खुद के राउंड स्पिन भी हो रहा और न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिटल मोशन भी है, तो स्पिन और ऑर्बिटल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये तो डिराइव किया ही अपन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एक किसका ऐड करना है स्पिन का, पर वेक्टर सम लेना है, तो अपन बोलेंगे कि इस एटम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही, उन दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सब सेंस है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ आई, कैसे आई, या सिंगल एटम है, डायमैग्नेटिक का छोड़ो, पैरामैग्नेटिक का या फेरोमैग्नेटिक का, तो सिंगल एटम बिहेव एज अ मैग्नेट, उसको नाम दिया है एटॉमिक मैग्नेट, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन है, तो दो टाइप के मोशन है, एक स्पिन खुद के एक्सिस के राउंड, एक ऑर्बिटल, तो इन दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। इसका तो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला नहीं है अपने को, तो छोड़ देंगे। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जिन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम बिहेव करेंगे मैग्नेट के जैसे, वो एटम बिहेव करेंगे मैग्नेट के जैसे, कौन से एटम मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल बता दो, देखो तो एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, क्यों कर रहा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में, तो ऐसे एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों का केमिस्ट्री में हुआ ही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 कर देंगे, देखो कितने हुए, ये आप लोगों को हुआ है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को निकालते आती, वो ऐसा बनाते ना आप लोग, 1s1 2 1s2 2s2 3s2 फिर इधर p b f, वो वाले से आप लोग निकाल दो, ठीक है। तो ये हो गए देखो, 2 2 4 और ये 6 10 और ये 17 17 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 प्लस 2 4 और ये 6 यानी 10 12 17 17, तो ये सब भूल जाओ, इसको ड्रॉ कर रहे खाली, 5 है ना, 1 ये देखो अनपेयर्ड है, ये तो सब पेयर्ड है, इनको छोड़ दो, आखिरी वाला देखो, तो लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक मैग्नेट, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल, एटम का आंसर क्या हो जाएगा, 0। बट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल बताया 17 है, तो आखिरी वाले ऑर्बिट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 3p5 यस, तो ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा, नाउ दिस एटम बिहेव एज अ मैग्नेट, तो ये है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, तो जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, जो पेयर्ड वाले हैं इधर अंदर, ये भी है पेयर्ड वाले और इसमें ये दो ग्रुप भी पेयर्ड वाले हैं, तो ये अपन ने ड्रॉ किया है 3p के लिए, ये बाकी सबको ड्रॉ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ ये बता देंगे इसमें भी पेयर्ड आएंगे 2, इसमें 6 पेयर्ड है, इसमें 2, इसमें ये 2 पेयर्ड है, इसमें 5 है, 1 2 1 2 3 4 और ये 5, ये अनपेयर्ड है, जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे हैज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो दैट सिंगल एटम बिहेव एज अ मैग्नेट। बट जब अपन पूरा सब्सटेंस कंपेयर करेंगे तो सब्सटेंस का आंसर क्या आएगा, सभी के लिए 0, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के,
Fe3O4 को छोड़ के। पर एटम बहुत सारे मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं, पर कौन से एटम बिहेव करेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये क्लोरीन। तो ये आया ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एटम में कहां से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मोशन है। कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल एंड स्पिन। नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल बताया, वो एटम बिहेव करेंगे मैग्नेट के जैसे। दे आर कॉल्ड एटॉमिक मैग्नेट। बट जब अपन सब्सटेंस कंपेयर करेंगे तो कोई भी रीजन हो सकता, तीनों बताया है अपन ने, तो सब्सटेंस विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सिर्फ एक ही ऐसा सब्सटेंस अपने को पता है Fe3O4, जिसमें एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वो आगे लेते हैं, ये देखो अब देखो, अब अपन ले रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। ये मैंने समझाया है, देखो फिर से बताना कि किसी मैग्नेट के पास या मैग्नेटिक फील्ड के पास डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। ठीक है, उसमें क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। या फिर ठीक है, सिंगल मटेरियल कंसिडर करो Fe3O4, इसमें भी क्या डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सिर्फ फर्क इतना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पहले मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते, बट ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पर ये सब्सटेंस की नहीं है। पर जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें भी क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैंने बोला ना इनका क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन। जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, पर मैग्नेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये पहले से मैग्नेट की तरह बिहेव करता, इसका ऑलरेडी मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, तो क्या डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, या इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। सो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, एम, कैपिटल एम, या कहीं कहीं पे एम जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करता, बाकी सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। तो इसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑलरेडी है, तो दैट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन पहले से हुआ है। नाउ कुछ सब्सटेंस, मतलब इसको छोड़ के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते, पर जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। उनमें भी क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ। दैट मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए और इस सब्सटेंस के लिए सेम है, इसमें भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है और इसमें ऑलरेडी है, तो दैट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। यहां पे जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, वीक फील्ड है वीक मैग्नेटाइजेशन होगा, वही यहां पे। तो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो ये मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, और इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, तो इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। यूनिट क्या है, इसका है एम्पीयर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो एक मीटर कैंसिल तो बचेगा एम्पीयर पर मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल एक बचेगा एम्पीयर पर मीटर। तो ये है ध्यान रखना मैग्नेटाइजेशन, में ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, बाकी सब्सटेंस को जब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, वो क्या मैग्नेटाइजेशन। यानी मैग्नेटाइजेशन का मतलब उसमें क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ,
स्मॉल m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन हुआ उसमें भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ। दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप या दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हिच इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। एम्पीयर पर यूनिट, ठीक है, देखो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये याद है सोलेनोइड का, इसके पहले वाले चैप्टर में सोलेनोइड का फॉर्मूला डिराइव किया है मैग्नेटिक इंडक्शन का। B is equals to mu 0 n I, where I is the net current and n is the number of turns per unit length. It is number of turns per unit length. इसके पहले वाले चैप्टर में हुआ है, ये अपन ने डिराइव किया है सोलेनोइड का। इसमें स्मॉल आई से डिनोट किया था करंट, यहां कैपिटल आई से डिनोट करता है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो B is equals to mu 0 n I, where I is the current and n is the number of turns per unit length. तो नेट हटा दो, टोटल करंट ये हो करंट टू द कॉइल। तो ये भी किसके जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा। एक टर्मिनल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक टर्मिनल नॉर्थ पोल की तरह। देखो तो इसके पहले लगे तो चैप्टर का वो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में हूं भाई, तो उसमें देख लेना। सोलेनोइड एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन, पहला था सोलेनोइड, दूसरा है टोरॉइड। तो सोलेनोइड का एप्लीकेशन है, तो उसमें फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई, पर यहां स्मॉल आई लिखा था, अभी कैपिटल आई से लिखा है, फर्क नहीं पड़े, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। देख लो
नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ये सोलो नाइट के लिए ये दोनों वैल्यूज पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है वो समझाता पहले ये देखो एक बार। अब ये समझना इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सोलो नाइट, ठीक है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, खाली एम की सोलो नाइट है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला बी जीरो लिख लेते हैं, म्यू जीरो इंटू एच, म्यू जीरो पता है ना 4π × 10⁻⁷ कॉन्स्टेंट है, हाँ इट इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है एन इंटू आई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। खाली है, खाली है, ठीक है, तो म्यू जीरो एन आई है एक्चुअल फॉर्मूला और एन आई की जगह पर लिखा था एच टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये देख लो एक बार, ठीक है, अब ये कैसे बिहेव कर रहा मैग्नेट के जैसे। अब आयरन का टुकड़ा लिया अलग से, दिस इज आयरन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है क्या, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अभी बताया सब्सटेंस आयरन, कौन सा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट अगर किसी को दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट बना है उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटाइज हो गया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो इस मैग्नेट को हटा, इस मैग्नेट को हटा, ये हटा दिया, चलो अब इसकी जगह सोलेनोइड रख दो, एक ही बात है, पहले मैग्नेट था अब सोलेनोइड है, सोलेनोइड में क्या प्रोड्यूस कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, देखो समझ में आया, तो अब ये भी मैग्नेट बन गया, आयरन का टुकड़ा अलग से था वो भी मैग्नेट बन गया, तो अपन यहां ऐसे ही करने वाले, देखो आयरन का टुकड़ा बीच में रख देंगे, ये आयरन का रॉड सोलेनोइड के बीच में रख दिया अपन, ठीक है, अब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये सोलेनोइड क्या बन गया मैग्नेट, अब सोलेनोइड मैग्नेट बन गया तो आयरन का टुकड़ा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो भी क्या बन जाएगा मैग्नेट, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और उस आयरन के टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड ऐड करो तो कर देते ऐड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इंक्रीज, सो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल सॉरी नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी पहले कॉइल का ये प्लस अब रॉड जो रखा है वो भी मैग्नेटाइज हो गया तो बी है, देखो समझ में आ रहा है, ये जो रॉड रखा है अंदर अपन ने सोलेनोइड के बीच में अब वो भी मैग्नेट बन गया, आयरन का अगर पीस लेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेट बनेगा इसीलिए प्लस का साइन डाला, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई इंक्रीज, तो खाली सोलेनोइड लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगी बस उसमें आयरन का टुकड़ा रख देंगे तो अब वो आयरन का टुकड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन गया मैग्नेट, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई इंक्रीज, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया, ठीक है, तो आयरन का टुकड़ा पहले मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था पर उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा, तो अब करंट पास करते कॉइल में से वो मैग्नेट है ही, अब उसके बीच में आयरन का रॉड रख दिया तो वो भी मैग्नेट बन गया, अब दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दिया, तो आंसर देखना ये वाला म्यू जीरो एच प्लस ये लिखेंगे म्यू जीरो और ये एम सेट एपी डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन पे, मैग्नेटाइजेशन हुआ ना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, तो h और m यूनिट सेम है तो फार्मूला बराबर है म्यू जीरो h और यहां लिखा है म्यू जीरो m, ये किसके लिए है रॉड के लिए और ये सोलेनोइड, ये रॉड के लिए ये सोलेनोइड, तो ये सोलेनोइड का फार्मूला ये रॉड का मैग्नेटाइजेशन हुआ यूनिट सेम है तो फार्मूला भी मतलब बराबर, ठीक है, देखो तो जितनी स्ट्रॉन्ग यहां करंट डेवलप होगी या जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ही ज्यादा रॉड मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, तो अब इस रिलेशन को याद रखो, पहले
यहां तक देख लो फिर आगे चलो। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया, देख लिया होगा पर। ठीक है नाउ अब फिर से बता रहे हैं, जितना पावरफुल ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा वो आयरन का टुकड़ा क्या होगा, मैग्नेटाइज। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आ रहा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितना ज्यादा करंट उतना ही पावरफुल वो मैग्नेट बनेगा सोलेनोइड। अब उसमें जो रॉड रखा है वो उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होगा, तो जितनी स्ट्रॉन्ग ये फील्ड लगाएंगे उतना ही ज्यादा वो रॉड क्या होगा, मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी था ऐसे निकाला था पहले, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल मतलब जैसे अगर डायमैग्नेटिक रखेंगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या डालना पड़ेगा माइनस। पैरामैग्नेटिक रखेंगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। निगेटिव था ना पहले, डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव था, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता इसीलिए इसकी वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो वो बताऊंगा वैल्यू कैसे। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एंड इट इज कॉल्ड, अच्छा अब ठीक है यहां लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये थोड़ा सा याद रखना, तो ये समझ में आया ना, जितना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा एन इन टू आई एच की वैल्यू उतना ही ज्यादा वो अंदर जो रॉड डाला है वो मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनल की साइन हटा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कॉन्स्टेंट है, इन दोनों पे नहीं। So it is called magnetic susceptibility. देखो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताऊंगा कौन से मटेरियल के लिए क्या रहेगी बाद में देखेंगे। ये हटा दिया ना, ये वैल्यू इसमें डाल दो, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो पाई ए कॉमन, एच वैसे रखो और एम की जगह ससेप्टिबिलिटी इन टू एच। H common, so B is equals to mu 0 1 plus susceptibility into H, which is final answer here. Thoda change kar raha isko, dekho pehle, तो अब ये हटा देते हैं, ये रह गया था वो आंसर फाइनल नहीं मानते। आपको याद है इलेक्ट्रिक में ऐसा था कि K is equals to epsilon upon epsilon zero, ठीक है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे यहाँ है mu is equals to mu upon mu zero, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमियबिलिटी। के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, वैसे यहाँ है म्यू अपॉन म्यू जीरो, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करने जा रहा है, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, इसको लिखेंगे रिलेटिव परमियबिलिटी इनटू एच और इनको म्यू लिखेंगे, परमियबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा, या फिर वी इज इक्वल्स टू म्यू एन आई। तो सिंपल है, जैसे अपन ने सिर्फ B0 क्या लिखा था, ध्यान दो B0 क्या लिखा था, mu 0 n i, ये फॉर्मूला अपन ने पहले डिराइव किया हो। तो mu 0 क्यों लिया था, क्योंकि अंदर क्या था, वैक्यूम या एयर था, अब उसकी जगह रॉड आ गया, तो mu की जगह खाली अपन ने mu कर दिया, mu 0 की जगह खाली क्या आ गया mu, इट इज परमियबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इट इज परमियबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, बस इतना याद रखना। इसीलिए अपन ने म्यू आर को ये लिखा है, क्योंकि अगर अपन यहां कंपेयर करोगे इसको म्यू जीरो एन आई लिखा था
वैक्यूम के लिए, फिर से बता देते हैं, सिर्फ जब वैक्यूम था, बीच में कुछ भी नहीं था कॉइल में, तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था म्यू जीरो एन आई बी इज इक्वल्स टू, या बी जीरो कर। अब इसमें रॉड डाल दिया, तो ये म्यू की जगह अपन लिखने वाले हैं, म्यू जीरो की जगह म्यू एन आई। दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, वही फॉर्मूला है, म्यू जीरो की जगह म्यू लिखा है, एन आई वैसे रखा है। दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। आया फाइनल आंसर वही अब तक, ठीक है। तो म्यू की जगह यहां से देखो क्या आएगा, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, इसीलिए ये म्यू जीरो, इसको लिखा है अपन ने म्यू आर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा बस, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी ये है रिलेशन, जैसे ये था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वैसे ये रिलेशन है, वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, के की जगह म्यू आर। तो देखो फिर से, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो फाइनल आंसर अपना निकल गया, फिर से बता देता हूं एक बार, ये नेक्स्ट वीडियो में वापस एक बार कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो फाइनल आंसर अपना ये है, E is equals to mu 0 1 plus susceptibility into H, या फिर B is equals to mu 0 into mu R into H, और we can say B is equals to mu 0 इंटू म्यू आर की जगह म्यू इंटू एच। तो ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होता है, मगर कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट, तो इसकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव एंड स्मॉल, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ ना, इसीलिए नेगेटिव और वीक मैग्नेटाइजेशन है, इसलिए वैल्यू रहेगी स्मॉल। कौन से सब्सटेंस के लिए, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, इसीलिए पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू, बट वीक मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए स्मॉल। और डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं सेम डायरेक्शन में, इसीलिए वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड वैल्यू विल बी लार्ज। तो ये रिलेशन, ये डेफिनेशन नहीं, रिलेशन में एक बार फिर से बताऊंगा, और ये वैल्यूज याद है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल है डायमैग्नेटिक के लिए। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा और वीकली मैग्नेटाइज होगा, इसलिए स्मॉल है। पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा, बट मैग्नेटाइजेशन वीक है, इसीलिए वैल्यू रहेगी स्मॉल। फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, इसलिए वैल्यू है लार्ज। रिलेशन में फिर से एक बार बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक बार ये देखिए रिलेशन फिर से लेंगे, फिर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का फिर से रिलेशन आएगा, तो वो भी मैं एक बार तुम लोगों को वापस से समझा दूंगा, ठीक है, ये रिलेशन वापस से समझाऊंगा एक बार, देख लो एक बार। देखो रिलेशन वापस एक बार समझ लो, खाली सोलोनाइड है, करंट पास हो रहा आए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी, इट इज म्यू जीरो एन आई, या फिर म्यू जीरो एच, एन आई की जगह एच ही है। अगर कोई दूसरा मटेरियल डाल दे इसके बीच में, तो सिंपल म्यू जीरो वैक्यूम की जगह खाली मटेरियल का म्यू आ जाएगा इनटू एच। ये फाइनल आंसर लाना है जब आप कोई मटेरियल डालेंगे, तो फाइनल आंसर ये मिलना चाहिए, ठीक है। और ये रिलेशन याद रखना, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव है, किसका किसका रिलेशन ले रहे हैं, मीडियम का और वैक्यूम का, रेशियो रिलेटिव परमियाबिलिटी, इट हैज नो इफेक्ट। तो म्यू कैन बी रिटन एज म्यू जीरो इंटू म्यू आर, तो आपको फाइनल आंसर ये लाना है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच। यहीं से समझ जाओ फाइनल आंसर ये आएगा, तो उसके बाद ये लिखेंगे इस पर से। फिर से देखो, खाली है तो म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, अगर कोई दूसरा मीडियम बीच में डाल देंगे, तो उसका परमियाबिलिटी डाल दो, खत्म, म्यू इनटू एच,
अब म्यू की जगह ये कहां से आया, ये यहां से, तो यहां तक जाना है, फिर उसके बाद ये बना दे बस, ठीक है। सो अभी खाली है तो सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे म्यू जीरो, बट इसमें अगर आयरन का रॉड रख दिया जाए, ये रॉड रख दिया हमने, तो वो भी मैग्नेटाइज होगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। इसलिए इसमें प्लस कर देंगे बी एम, तो इसका फॉर्मूला लिखे थे म्यू जीरो एच और इसका फॉर्मूला म्यू जीरो एम मैग्नेटाइजेशन। म्यू जीरो निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस एम, यहां तक समझ में आए, ठीक है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आयरन का रॉड भी मैग्नेट बन गया, ये हो गया, ठीक है। नाउ अब रिलेशन देखना, ये रॉड कितना मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड करेगा इस पे, एच पे, यानी एन और आई पे, कि जितना ज्यादा करंट और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और उतना ही ज्यादा वो बीच वाला रॉड क्या होगा, मैग्नेटाइज। तो ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो, म्यू जीरो एच प्लस ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। सो म्यू जीरो ब्रैकेट में रखेंगे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, एच बाहर निकाल। अब देख फिर से वापस से इसको भूल जाओ, इस पे आओ, ये म्यू जीरो रखा था वैक्यूम के लिए, अब दूसरा कोई रॉड डाल दिया तो उसका लिख दिया म्यू, तो ये फॉर्मूला म्यू जीरो इंटू एच है, ये म्यू इंटू एच, पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस रिलेशन से। तो म्यू जीरो की जगह बराबर देखो म्यू जीरो है, म्यू आर की जगह क्या है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो अपन यहां लिख देंगे कि रिलेटिव परमियाबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी और एच की जगह बराबर एच है, तो फाइनल आंसर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा यहां पे। सो बी इज इक्वल्स टू ये म्यू जीरो, इसको लिखा है म्यू आर इनटू एच, ठीक है, एंड फाइनल आंसर यहां सो बी इज इक्वल्स टू ये म्यू इनटू एच, इसको म्यू लिखा है म्यू। तो डेरिवेशन के पहले भी समझ सकते हैं कि म्यू जीरो की जगह म्यू आना चाहिए, म्यू की जगह ये लिख सकते हैं, अब इसको और इसको कंपेयर करो, म्यू जीरो की जगह बराबर म्यू जीरो है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की जगह म्यू आर है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, वो सब्स्टिट्यूट करो, इन दोनों की जगह म्यू डाल दो, देखो फाइनल आंसर मैच हो गया, समझ में आया, देखो मैच हुआ, ठीक है। तो ये याद रखो सिर्फ म्यू जीरो की जगह म्यू आना चाहिए, फाइनल आंसर में म्यू आना, बस मटेरियल के लिए, जो मटेरियल का परमियाबिलिटी है, दिस इज मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ मैग्न्यू, दिस इज परमियाबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, बस उतना लगा था, पर इसकी जगह ये आ सकता ये वाले रिलेशन से, तो अपन इसके साथ कंपेयर करके इसको म्यू आर लिखा है, और ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू बताई थी वो याद रखो निगेटिव एंड स्मॉल फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, निगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, स्मॉल क्यों, क्योंकि वीक मैग्नेटाइजेशन है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज, वेरी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ और लार्ज इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, ठीक है। तो ये याद रखो, पहले म्यू जीरो की जगह म्यू आना चाहिए था, आ गया, और ये लिख सकते थे इस रिलेशन पर से, जैसे ये था k is equals to epsilon upon epsilon zero, वैसे ही म्यू आर म्यू अपॉन म्यू जीरो, इसीलिए इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को क्या लिखा है म्यू आर, तो ये म्यू जीरो म्यू आर हो गया बराबर h आ गया, मतलब ये पहुंच गया। तो सिर्फ अपने को इतना करना था कि इसकी जगह ये लिखना है, पर ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है, देख लो एक बार। तो अब इसके बाद सब्सटेंस का लेना है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो याद रखो
इसे बस सिंपल है, ये स्टेप तो फॉलो करने हैं, सिर्फ म्यू जीरो अगर खाली है तो अगर कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया तो वहां म्यू इनटू एन आई करना है बस। तो आ गया देखो म्यू इनटू एच मतलब म्यू इनटू एन, उत्तर है बस। देख लो एक क्वेश्चन,